बात होगी बेबाक, राजनीति के पैतरे हो या समाज से जुड़े मुद्दे, हर उस आवाज को मिलेगी जगह जिसका सरोकार हो आपसे। न लाग न लपेट, हम करेंगे खास मुलाकात। बक्सर विधानसभा आम निर्वाचन 2020 प्रथम चुनाव का नामांकन हुआ पूरा। आज था आखिरी पर्चा दाखिल करने का दिन। बक्सर, राजपुर, बरहपुर, डुमराव के प्रत्याशियों ने अपना अपना पर्चा किया दाखिल। 200 बक्सर से कुल प्रत्याशी रहे 23, वही 202 राजपुर से भी कुल प्रत्याशी रहे 18 और 201 डुमराव से भी विधानसभा प्रत्याशी रहे 23 और 199 बरहपुर से भी रहे 17 विधानसभा प्रत्याशी। अब देखना यह है कि दंगल में तो पहलवान आ चुके हैं और कौन किसे पराजित करते हैं, क्योंकि कल 3 बजे तक बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम की अटकलें थी, पर शाम में लिफाफा खुलते ही नाम भाजपा के विधानसभा के प्रत्याशी का आया तो साफ हो गया। जबकि कांग्रेस से बक्सर विधायक रहे संजय तिवारी ने कहा कि कोई मैदान में पहलवान नहीं है, पर पर्चा दाखिल करने के बाद बीजेपी के परशुराम चतुर्वेदी बोले, मैं आ गया हूँ। क्या बक्सर विधायक ने कभी पहलवानी किए हैं? राजपुर से छेदी लाल राम ने भी निर्दलीय से पर्चा भरा। वहीं डुमराव विधायक ददन पहलवान भी निर्दलीय से अपना फिर से किस्मत आजमाने के लिए अखाड़े में आ चुके हैं। मुकाबला टक्कर का होने लगा है। डुमराव महाराज के पुत्र युवराज शिवांग भी किस्मत का खेल में भागीदारी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कर रहे हैं, जबकि उनके दादा जी सांसद रह चुके हैं, जो कि बंटी शाही भी राष्ट्रीय समता पार्टी से पर्चा दाखिल किए। रंजन तिवारी, नीरज पाठक, ओम प्रकाश सिंह और सत्येंद्र कुमार भी निर्दलीय से हैं। CNB न्यूज टीम की खास रिपोर्ट बक्सर से। अच्छा, निवर्तमान विधायक संजय तिवारी ने कल कहा कि मेरे अलावा कोई पहलवान नहीं है अखाड़ा में, क्या कहेंगे? पहलवानी कभी किए हैं वो? कभी पहलवानी किए हैं? वो तो ताक झांक कर रहे थे, ने उन्हें बोलते थे कि भाजपा के पास पहलवान नहीं है कि कोई हमको पटका नहीं दे जाएगा, लेकिन असली पहलवान से अबकी बारी भेंट हो जाएगा। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? विकास, विकास। जनता से क्या आशीर्वाद मांगना चाहिए? जनता आशीर्वाद देगी और बिहार में NDA सरकार बनेगी और विकास होगा। उनका भी विधायक तो हमने बहुत विकास किया है। कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे बाबा, उनके एस्टीमेट घोटाला जाके निकलवाइए ना, देख लीजिए एस्टीमेट में कितना घोटाला किया है, पता करें। विकास कौन सी करेंगे भैया? कार्यकर्ता को सीट मिला है भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे सभी कार्यकर्ता खुश हैं। काफी जद्दोजहद के बाद आपको जद्दोजहद नहीं, पार्टी नेतृत्व को करना होता है। पार्टी नेतृत्व ने अपना किया, लेकिन नाम प्रेस कभी आता नहीं आ रहा था इसमें, एक बार एक नाम आया, आपने पर्चा भी कर लिया। भैया हम तो बरसों से काम यहाँ कर रहे हैं ना, बरसों से काम रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ प्रत्याशी हैं सब बाहरी हैं, और जो है हमारा पूर्वज यहाँ से हमेशा से काम करता रहा है, और जाहिर सी बात है दादाजी का जो सहयोग था इस क्षेत्र के लिए परिवार का, उसको आगे बढ़ाने का कार्यभार हमने लिया है। हमारी यही है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे शिक्षा के लिए इतना योगदान किया है, खेल कूद को लेकर आगे बढ़ाया है, अब वही सबको सरकार नहीं देख पा रही है, तो ये हमको लगता है कहीं ना कहीं सरकार की एक चूक है, और ये हम लोग चाहते हैं कि यही अगर सरकार कर लेती तो हम लोगों को शायद इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी मुद्दाएं हैं इधर, उसको निर्माण करने के लिए हमने ये कदम उठाया है, और ये हम अपने विरासत है, डुमराव हमारा विरासत है, हमारा घर है, तो हम चाहते हैं लोगों के हमारे आशीर्वाद रहे। अभी हमने नामांकन फाइल किया है, हम आगे लड़ेंगे साहब। अब तो सारे कैंडिडेट के बारे में अब जान ही गए हैं आप। ये पार्टी है, पार्टी तो यहाँ पर तीनों रन करती है अभी, एक भाजपा है पार्टी, एक है आपका जदयू पार्टी है, एक है आपका RJD पार्टी, तो दोनों पार्टी के कैंडिडेट के बारे में अब तो ये बताना नहीं है कि क्या है लोग, कहाँ से ये लोग आए हैं। हमारे क्षेत्र के जनता एक एक व्यक्ति जानता है, इसलिए वो लोग में कुछ नहीं है। चुनाव आएगा, आपको वोट होगा, देखिएगा, सबकी जमानत जब।
को भी फर्स्ट बनाना है, बिहार की ही धरती में वो भी है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्मपुर को फर्स्ट बनाएंगे, बिहार को फर्स्ट बनाएंगे, बिहारी को फर्स्ट बनाएंगे, कि जो भी हमारे बिहार के साथी रोजगार के अभाव में, बेरोजगारी के चलते जो पलायन करके अन्य प्रदेशों में जाते हैं, उनके लिए बिहार में ही कैसे रोजगार सृजित किया जाए। शिक्षा के लिए जो हमारे नौजवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार के बाहर जाते हैं, उनके शिक्षा की व्यवस्था कैसे यहाँ ब्रह्मपुर में हो, बिहार में हो, और स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ किया जाए। जो राजपुर में विकास किए उसका भी आज भी मिसाल है, आज भी वो लोग उसका गुण गाएंगे। यदि राजपुर में आप जाइएगा तो उसका गुण आज भी गाते हैं। 2000 में मैंने विधायक था, लेकिन उसका गुण आज भी गा रहे हैं। जब परिवहन मंत्री का ये कहना है कि विकास के सहारे उनकी नया पार हो जाएगी, क्या कहेंगे? लगता है कि विकास किया बड़ा राजपुर में हो। ठीक है, उनको समय मिला है, बहुत बड़े पैमाने पर फंड मिला। हमारे ज़माने में हम ग्रामीण मंत्री थे, हमारे ज़माने में जो है 100 रुपया जो है 100 करोड़ आता था, उनके ज़माने में जो है रघुवंश भाई भेजे थे 1600 करोड़ रुपया, इसके बाद में फिर 600 करोड़ रुपया अनुपूरक बजट में दिया, 2400 करोड़ रुपया एक साल में आए थे, जबकि हम 100 करोड़ में काम करते थे ग्रामीण विकास में। तो विकास का वो तो ग्रामीण विकास का है, इनका कोई अपना विकास थोड़े ना है। अब आप ही बताइए कि जो है ये अतु वाले ई मंत्री कौन सा विकास कर सकते हैं? कोई जनता का विकास है? बस चलवा सकते हैं, बस कितना चलवाए हैं आप देख लीजिए। और जनता की अदालत में मैं जाने का फैसला लिया हूं, क्योंकि डुमराव जो है काफ़ी बेरोजगारी में से पिछड़ा हुआ है। जो भी इंडस्ट्री वगैरह है यहाँ बंद पड़ी हुई है, और बेरोजगार दर दर भटक युवा भटक रहे हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आज इस मैदान में मैं उतरा हूँ। बहुत विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा ही नहीं, बक्सर जिले की जनता को, कि यहाँ की जो जो मूलभूत आवश्यकताएँ होंगी, या छात्राओं के विषय में हो, छात्रों के विषय में हो, बेरोजगारी हो, या किसानों का हो, गंगा कटाव हो, सड़क हो, सब चौमुखी विकास करने का वादा करूँगा। जनता जो इस विश्वास के साथ हमें आदेश करेगी, हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी, मैं उस पर अपने 5 सालों के कार्यकाल में अगर मैं जीता तो जनता के विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। कर रहे हैं, और इसी को लेकर हम लोग अपना मत भी मांगेंगे, क्योंकि जिस तरह की बिहार में राजनीति चल रही है जातिगत समीकरण पर, कोई इस गठबंधन में आ रहा है, कोई उस गठबंधन में जा रहा है, केवल जात पात की राजनीति हो रही है और उसी पर सभी पार्टियां चल रही हैं। आपकी राजनीति क्या होगी? हमारी राजनीति साफ सुथरी होगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगी, अपराध मुक्त होगी। हमारी पार्टी में न किसी भ्रष्टाचारी को जगह है और न किसी अपराधी को जगह है।